नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत अहलूवालिया और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम पाइल्स यानी हेमोरॉइड्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली एनल केनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और स्टूल्स पास करते हुए उनके छिलने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहती है और बिल्कुल फ्रेश ब्लड जैसे लाल खून जो बिल्कुल ताज़ा खून है वो हमें स्टूल्स के ऊपर गिरता हुआ दिखता है और इससे पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास आते हैं और हमें एग्जामिनेशन करके पता चलता है कि पाइल्स है। इसको हम कुछ और कंडीशन से पेशेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज करते हुए देखते हैं, जैसे कि फिशर इन एनो। फिशर में बहुत तेज़ दर्द के साथ हल्का सा ब्लड आता है और वो एक जस्ट सिर्फ जख्म है, जबकि पाइल्स में ये ऑलमोस्ट यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग होती है और ये बड़े ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लीडिंग है। पाइल्स में हम पेशेंट को एग्जामिन करके ओपीडी में देख पाते हैं कि उसके इनल केनाल के अंदर बड़े बड़े ब्लड वेसल्स हैं जो कि खून आने का कारण है और उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना कराया जाए तो चलते टाइम के साथ साथ ये पाइल्स बड़े होते रहते हैं, ये इनल केनाल से बाहर आने लगते हैं, उठने बैठने में दिक्कत करते हैं, इसमें दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है और इसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को अनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। कुछ केसेस में इन पाइल्स में खून जम जाता है जिन्हें हम थ्रोम्बोस्ट पाइल कहते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और धीरे धीरे ये खून अंदर ही अंदर अपने आप घुल कर ये पाइल ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये पाइल्स बढ़कर एनल केनाल से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं और अगर वहीं फंस जाएं तो स्ट्रैंगुलेट हो सकते हैं, इनमें खून का दौरा बिल्कुल बंद हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये एक एमरजेंसी बन जाता है। तो हमारी यही एडवाइस है कि अगर आप पाइल से परेशान हैं तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ताकि टाइमली हम इसकी सर्जरी कर पाएँ। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा उतना छोटा ऑपरेशन होगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी और उतने ही कम कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहेगा। यूजुअली इन पेशेंट्स में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि ये एक ब्लड वेसल्स हैं जिनका साइज़ बढ़ गया है और मेडिसिन से इनके सिम्टम्स को कुछ देर तक रोका जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ये ब्लड वेसल्स और बढ़ते रहते हैं और अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन इनमें ना किया जाए तो ये बढ़कर फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हेमोरॉइड किस स्टेज में है। अगर तो अर्ली हेमोरॉइड्स हैं यानी कि वो स्किन से या इनल केनाल से बाहर नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ सिंपलर तरीके से इनको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें से हेमोरॉइड बैंडिंग बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है। बैंडिंग में हम एक रबर का बैंड हेमोरॉइड के ऊपर के हिस्से में लगा देते हैं जो कि पेन सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि उस बैंड को लगाने से पेशेंट को दर्द नहीं होगा क्योंकि उस हिस्से में दर्द वैसे भी हम परसीव नहीं कर पाते। तो ये बैंड लगाने के बाद जो पाइल्स की ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है और कुछ ही दिनों में ये पाइल्स अपने आप ही सिकड़ जाती हैं और ब्लैंड अपने आप झड़कर बाहर निकल जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें किसी भी तरह का नशा या सुन्नपन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत जल्दी कुछ घंटों बाद ही घर जा सकते हैं। पर इसका डाउनसाइड ये है कि अगर दो से ज़्यादा पाइल्स हैं तो हमें इसे दो या तीन बार रिपीट करना पड़ सकता है ताकि हम हर एक हेमोरॉइड को प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। अगर बहुत बड़े हेमोरॉइड्स हैं बाहर आ गए हैं तो उन केसेस में ये तरीका काम नहीं करेगा। इसके अलावा हेमोरॉइड्स में इंजेक्शन लगाना एक बड़ा पुराना तरीका है, लेकिन बैंडिंग के बाद अब हेमोरॉइड्स में इंजेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कम हो गया है क्योंकि बैंड्स उससे एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। इसके बाद अगर हेमोरॉइड्स बड़े हो गए हैं और बैंड नहीं किए जा सकते तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड यानी कि हेमोरॉइडेक्टमी की जा सकती है, जिसमें हम ये खून की नसों को काटकर निकाल देते हैं और इनके बेस में एक स्टिच लगा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये एक बहुत पुराना तरीका है और इसमें
अच्छी बात यह है कि हेमोरॉइड्स जो हैं वो पूरे के पूरे काट कर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक पेन सेंसिटिव एरिया है तो पेशेंट को तकलीफ़ रहती है ऑपरेशन के कुछ दिन तक, और ये जख्म भरने में टाइम लेते हैं बिकॉज इस एरिया में पट्टी नहीं की जा सकती। ये एरिया बार बार स्टूल पास होने की वजह से इन्फेक्टेड रहता है और रिकवरी पीरियड थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है। पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इन जख्मों को भरने में। सो इन कारणों से आजकल कुछ एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिनमें हम बड़े हेमोरॉइड्स को और ईजीली टैकल कर सकते हैं, जिसमें से एक है स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टमी, जिसमें कि हम एक स्टेपलर की मदद से पाइल्स के ऊपरी हिस्से जहां पर हम दर्द महसूस नहीं कर सकते उस एरिया पर एक स्टेपलर फायर करते हैं, और निचला हिस्सा जो कि पेन सेंसिटिव है जहां पर दर्द होता है उस एरिया में बिल्कुल भी कोई भी कटिंग नहीं की जाती। ये पाइल्स की जड़ों में जहां पर खून जा रहा है उसे एक तरीके से काट देता है और पाइल्स अपने आप ही सूख जाती हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, दर्द भी बहुत कम होता है, और इसीलिए ये एक अपकमिंग प्रोसीजर है हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हम लेज़र के राहें भी इसे ठीक कर सकते हैं। लेज़र फाइबर से हम हेमोरॉइड्स को अंदर ही अंदर कुछ हद तक बर्न कर सकते हैं, उनकी रूट्स पर एक स्टिच लगाकर बाकी जो हेमोरॉइड है उसको लेज़र से फाइब्रोस कर सकते हैं, और इससे भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, पेन कम होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा एक डॉपलर गाइडेड यानी कि एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है जो बताता है कि हेमोरॉइड में कौन सी खून की नस है जो मेनली इन्वॉल्व है, उसको हम उसी टाइम लोकेट करके एक डॉपलर की मदद से उस पर स्टिच लगा सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर सकते हैं। इस टेक्निक से भी बहुत कम ब्लीडिंग होगी, बहुत कम इन्फेक्शन या चीरे का इंसिडेंस होगा और रिकवरी फास्ट रहेगी। सो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें हम हेमोरॉइड्स की रिकवरी को बहुत बेटर बना सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। सो इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि हेमोरॉइड्स ना हों या अगर हो गए हैं तो ये दोबारा ना हों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए अपनी बॉवल हैबिट्स अच्छी रखिए, अच्छी हाई फाइबर डाइट लीजिए, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कीजिए, टाइम टू टाइम जब भी आपको स्टूल पास करने की अर्ज होती है इमीडिएटली स्टूल पास कीजिए, उसको होल्ड ना कीजिए। अच्छी अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए जिसमें एक लिमिट की एक्सरसाइज हर रोज़ रोज़ाना कीजिए, अपने डाइट में सैलड्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी अच्छी रखिए। इन सब मेथड से आप हेमोरॉइड से कुछ हद तक बच भी सकते हैं, और अगर आप इनसे सफ़र कर रहे हैं तो इसमें वीडियो में हम बात करेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स जिसे हम एक्सटर्नल पाइल के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि पाइल्स जो हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, और वो इस चीज़ में कंफ्यूज करते हैं कि एक्सटर्नल पाइल क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल पाइल सिर्फ एक्सटर्नल हो सकती है, यानी कि जो लैट्रिन का रास्ता है उसके जस्ट बाहर एक फुलावट हो गई है जिसमें से या तो पेन हो रही है या ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ये इंटरनो एक्सटर्नल हो सकती है यानी कि ये अंदर स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पाइल्स बढ़ती हुई बाहर को आ गई। पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल की। इसका मतलब है कि पेशेंट को बहुत अचानक से ही एक पेन होती है लैट्रिन के रास्ते में, और वो फील करते हैं कि एक स्वेलिंग हो गई है जस्ट आउटसाइड एनल कैनाल। सो एनल कैनाल के जस्ट बाहर एक स्वेलिंग ऑल ऑफ अ सडन फील होती है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है, जो पेशेंट ने पहले कभी नहीं देखी, और ऐसी कंडीशन यूजुअली एक्सटर्नल या थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये एक खून की नस है जिसमें खून जम गया है, थ्रोम्बोस्ड यानी खून का जमना। सो खून की नस जो लैट्रिन के रास्ते के बाहर है उसमें जब खून जम जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है, अचानक से स्वेलिंग और पेन होना। थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल पाइल अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका डायग्नोसिस बनता है तो ज़्यादातर केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपको ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो 1 से 2 हफ्ते के बीच में यूजुअली ये कम होकर पूरी की पूरी ठीक हो सकती है, और बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, जैसे पेन हो रहा है तो पेन के लिए मेडिकेशन लैक्सेटिव देते हैं ताकि हार्ड स्टूल ना हो, सॉफ्ट स्टूल रहे और आपको पेन कम हो, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है।
इसके अलावा सिट्स बात कर सकते हैं, यानी कुछ कोसे पानी में बैठ सकते हैं 10 मिनट दिन में 3 टाइम, ताकि इसकी पेन कम हो, स्वेलिंग कम हो और ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होती 2 से 3 हफ्ते के बाद भी, या ये दोबारा हो रहा है, तब उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। इसका इलाज लेज़र से भी हो सकता है और बहुत जल्दी ही ये लेज़र से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स है वो इंटरनो एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि उसकी जड़ अंदर है लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बाहर आ गई है। इनमें यूजुअली इतना ज़्यादा पेन नहीं होता अगर ये थ्रोम्बोज नहीं है, यानी इनमें अगर खून नहीं जमा हुआ है। ज़्यादातर कंप्लेंट एक स्वेलिंग की या कुछ डिस्कम्फर्ट की या ब्लीडिंग की हो सकती है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो बोलते हैं कि इंटरनो एक्सटर्नल पाइल है तो इसमें ज़्यादातर केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है और ये भी लेज़र के द्वारा ठीक की जा सकती है। लेज़र में इसमें कट ना बराबर होगा, एक पिन होल से ही हम लोग इसे अंदर ही अंदर बंद कर देंगे और कोई चीरा नहीं आएगा और साथ में आपकी रिकवरी बहुत फास्ट रहेगी। कोई चीरा ना होने की वजह से इसमें लॉन्ग टर्म पेन नहीं रहता, पेशेंट 1-2 दिन में अपना काम कर सकता है और दोबारा पट्टी करवाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इस कंडीशन में भी लेज़र बहुत कामयाब है। सो अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो आप किसी लेज़र सर्जन के पास जाइए और इसको इमीडिएटली ठीक करवाइए। अगर इंटरनो एक्सटर्नल पाइल है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन काफ़ी एडवांस्ड है और जितना जल्दी इसका हम इलाज करवा लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना इसका साइज़ बढ़ता रहेगा उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस होगा और उतना ही ज़्यादा ऑपरेशन आपका कठिन होता जाएगा और पाइल्स दोबारा होने का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। सो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो इमीडिएटली सर्जरी करवाइए। सो आई होप ये वीडियो देखकर आपको एक्सटर्नल पाइल के बारे में समझ आया होगा और अगर आप इससे पीड़ित हैं तो जल्द ही डॉक्टर के पास जाइए और इससे निजात पाइए। फिशर यूजुअली एनल कैनाल के अंदर होता है और इसलिए हम इसे एनल फिशर या टेक्निकल टर्म में फिशर इन एनो के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि एनल कैनाल के अंदर एक जख्म हो गया है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्टूल पास होना, लंबे समय तक डायरिया होना, प्रेगनेंसी होना, कॉन्स्टिपेशन रहना। इन सभी कंडीशंस में ये फिशर या ये जख्म हो सकता है। अब इसके सिम्टम क्या हैं? फिशर की वजह से आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, क्योंकि ये जख्म पेन सेंसिटिव एरिया में होता है और स्टूल पास करते हुए बहुत तेज़ दर्द होगा जो उसके बाद कई घंटों तक रह सकता है। और क्योंकि ये जख्म है, जब स्टूल्स इससे रगड़ते हैं तो कुछ हद तक ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती और कुछ देर के बाद अपने आप ही रुक जाती है। सो फिशर में दर्द ज़्यादा रहेगा, ब्लीडिंग कम होगी। ये जख्म के आगे बढ़कर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अगर ये बड़ा हो जाए तो सराउंडिंग एरिया में एक्सटेंड कर सकता है, एक बड़ा जख्म बन सकता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये फिर आगे बढ़कर क्रॉनिक फिशर हो जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता। इसमें बेसिकली एनल कैनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और स्टूल्स पास करते हुए उनके छिलने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहती है और बिल्कुल फ्रेश ब्लड, जैसे लाल खून, जो बिल्कुल ताज़ा खून है, वो हमें स्टूल्स के ऊपर गिरता हुआ दिखता है। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना कराया जाए तो चलते टाइम के साथ साथ ये पाइल्स बड़े होते रहते हैं, ये एनल कैनाल से बाहर आने लगते हैं, उठने बैठने में दिक्कत करते हैं, इसमें दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है और इसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को अनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। कुछ केसेस में इन पाइल्स में खून जम जाता है, जिन्हें हम थ्रोम्बोस्ट पाइल कहते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और धीरे धीरे ये खून अंदर ही अंदर अपने आप घुलकर ये पाइल ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये पाइल्स बढ़कर एनल कैनाल से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं और अगर वहीं फंस जाएं तो स्ट्रैंगुलेट हो सकते हैं, इनमें खून का दौरा बिल्कुल बंद हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये एक एमरजेंसी बन जाता है। कॉमनली इसे सिर्फ फिस्चुला के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक बेसिकली रास्ता है जो हमारे एनल केनाल और उसकी सराउंडिंग स्किन के बीच में बन जाता है। एनल केनाल में किसी कारण इन्फेक्शन होती है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें बहुत हार्ड स्टूल पास होने से या किसी और कारण इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पर थोड़ी पस बन जाती है और अगर इसे टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये पस अपना रास्ता बना लेती है सराउंडिंग स्किन के थ्रू और ये रास्ता आगे चलकर परमानेंट हो जाता है। दवाइयों लेने से ये बीच बीच में ठीक भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस रास्ते से थोड़ी इन्फेक्शन लैटरिन के राही आती रहती है तो ये बार बार एरिया भर कर फूटता रहता है। जब एक इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये फूट कर बाहर आ जाती है। फूटने के बाद कुछ दवाइयों लेने से ये कम हो जाती है, पेशेंट को लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से इन्फेक्शन बढ़कर एक बार फिर ये स्किन के राही फूटती है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप इसका इलाज अब और ही सक्षम तरीके से करा पाएंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हों तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल निडल साइनस या वेरिकोज वेन्स के शिकार हैं और वो लेज़र सर्जरी से इसका सर्जरी करवाना चाहते हैं। लेज़र सर्जरी इन सभी बीमारियों में बहुत ही कारगर है, इससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक ही रुकावट है कि इसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा रहती है। तो ये कॉस्ट क्यों ज़्यादा है इस चीज़ को आप समझिए। लेज़र की मशीन काफ़ी महंगी आती है और ये वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा कंपनीज ही इन मशीनों को बनाती हैं। ये मेडिकल ग्रेड लेज़र्स हैं, इसलिए इसमें बहुत अच्छी कैलिब्रेशन की जाती है ताकि जो लेज़र की एनर्जी आपको दी जाए वो बिल्कुल सटीक हो, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, ताकि ट्रीटमेंट पूरा हो और उससे कोई खतरा भी ना हो। सो इसलिए सबसे पहले तो लेज़र की मशीनें बहुत महंगी हैं, दूसरा जो लेज़र की किरणें हैं वो मशीन से लेकर पेशेंट की बॉडी तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर एक फाइबर का यूज़ किया जाता है। ये फाइबर कांच का बना होने की वजह से बहुत डेलिकेट होता है और कुछ ही केसों के बाद हमें इसे चेंज करना पड़ता है। कुछ केस ऐसे हैं जैसे वेरिकोज वेन्स है जिसमें फाइबर एक ही केस के बाद हमें चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए उसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये फाइबर्स बहुत महंगे हैं और दूसरे केसेस में भी ज़्यादा देर काम नहीं करते और हमें इन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है ताकि प्रॉपर डोज ऑफ लेज़र आपको मिल सके, आपकी रिकवरी अच्छी हो सके और किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सो मशीन की कॉस्ट, फाइबर की कॉस्ट, ये दो चीज़ें हैं जो लेज़र सर्जरी को नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट से कुछ बढ़ा देती हैं, लेकिन जितना इसमें फ़ायदा है उसके हिसाब से ये कॉस्ट वेरी वेल जस्टिफाइड है और आप इसे ज़रूर अपनाइए बिकॉज चीरे वाले ऑपरेशन और लेज़र वाले ऑपरेशन की रिकवरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेज़र के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट्स दूसरी सर्जरी से कम हैं। सो इसे अपनाते हुए घबराइए नहीं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डाइट की मदद से अपनी पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पाइल्स की ग्रेड जस्ट वन है, यानी कि वो इतने छोटे हैं कि अभी वो लैटरिन के रास्ते बाहर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बार जस्ट डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर ही आप उसकी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और अगर ऐसा करके आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है और ये पाइल्स अगर प्रोग्रेस नहीं करते हैं ग्रेड टू में, तो हो सकता है कि आपको इसके लिए कोई भी ऑपरेशन या प्रोसीजर ना करवाना पड़े। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। खाने में हमने वो सब चीज़ें अवॉइड करनी हैं जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन हो और वो सब चीज़ें बढ़ानी हैं जिसमें हमें कॉन्स्टिपेशन ना होने में हेल्प करें। ऐसे में पानी का इंटेक ज़्यादा होना और फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। पानी जितना ज़्यादा हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पानी को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि सिंपल साधारण पानी, या किसी और फॉर्म में जैसे उसमें नींबू डालकर नींबू पानी बना के, या पतली लस्सी या किसी सूप्स के फॉर्म में। सो बेसिकली हमें लिक्विड इंटेक बढ़ाना है और वाटर किसी भी फॉर्म में हो वो आपके लिए अच्छा ही है। फाइबर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उन्हें ओवरकुक ना कीजिए। दाल ले रहे हैं तो दाल छिलके वाली लीजिए। आटे के अंदर फाइबर ज़्यादा रखिए, यानी उस बहुत ही वाइट तरह का आटा ना हो, या मिक्स्ड मैलेट्स हों जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। ओट्स में फाइबर अच्छा होता है।
इसके अलावा अगर दाल ले रहे हैं तो बिना छिलके के बजाय छिलके वाली दाल लीजिए ताकि फाइबर के कंटेंट ज़्यादा रहे। और अगर फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट ऐसे लीजिए ताकि अगर उनका बिना छिलके उतारे आप खा पाएँ तो खाइए, जैसे कि एप्पल है उसका छिलका निकालिए नहीं। फ्रूट जूसेस के बजाय होल फ्रूट्स लीजिए, जूसेस में फाइबर नहीं रहता। सो अगर आप संतरे को ऐसा सच खाएंगे तो फाइबर अच्छा रहेगा, अगर जूस निकाल कर लेंगे तो फाइबर नहीं रहेगा। इसके अलावा स्टार्ची चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, इन सब चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा रहता है। और ऑयली चीज़ों का कंजम्पशन कम कीजिए, स्पेशली वो ऑयल जिस जो रीयूज़ किया जा रहा है, जैसे मार्केट में ऑयली चीज़ें मिलती हैं, समोसा, कचौरी, इनमें रीयूज्ड ऑयल है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसे कम कीजिए, इससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है। और अगर कैफ़ीनेटेड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेना या किसी और फॉर्म में कैफ़ीन लेना, तो उसे भी कम करना शुरू कीजिए। खाने में मसाले की क्वांटिटी को कम कीजिए, ज़्यादा तीखा मसाला या मिर्ची, इससे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए कौन से खाने से आपको ये दिक्कत बढ़ रही है, स्पेसिफिकली उस खाने को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। कुछ एक मॉडरेट एक्टिविटी रखिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना होने में आपको हेल्प मिलेगी। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें करके आप अपनी कॉन्स्टिपेशन या स्टूल्स को और बेटर कर पाएंगे और पाइल्स की प्रोग्रेशन को कम कर पाएंगे। ये सिर्फ पाइल्स की प्रोग्रेशन ही नहीं, उसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है या पाइल्स के लिए कोई प्रोसीजर हो चुका है, तब भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इवन पाइल्स के अलावा अगर फिशर या फिस्टुला की प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं तो उन सब चीज़ों में भी इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, जो चीज़ें आपको बेटर कर रही हैं इस फॉर्म्स में उसे बढ़ाना है, और जो चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जा रही हैं उन्हें कम करना है। इसके अलावा लोग अपने स्टूल्स को रोक लेते हैं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि जब नेचर की कॉल आती है तो हम इमिजिएटली टॉयलेट जाने के बजाय कुछ देर स्टूल्स को होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है। तो इस चीज़ पर खास ध्यान देना है कि जब भी आपको नेचर की कॉल आए, आप इमिजिएटली अपना काम छोड़कर सबसे पहले टॉयलेट जाइए और फिर अपना काम कंटिन्यू कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ सिंपल मेथड्स, टिप्स समझ में आए होंगे, जिससे आप अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ मच हेल्दियर एंड हैप्पी पर्सन। थैंक यू। Thank you.